वेलकम टू टेक्निकल भूक, आपका खुद का टेक्निकल गाइड चैनल। दोस्तों, आज हम बात करें सी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं और प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो आइए हम अपने फिर से सिस्टम की स्क्रीन पे आ जाते हैं और यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे रन का ऑप्शन आप देख रहे हो। तो यहाँ पे जाके हम टाइप करेंगे टर्बो सी और टर्बो सी के ऐप पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा जहाँ पे लिखा होगा स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस। हम उस पर क्लिक कर देंगे और आपके सामने पूरा इन्वायरमेंट टर्बो सी प्लस प्लस का ओपन हो जाएगा। तो ये वो एरिया है जिस पे हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो आइए अब बात करते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। वेरिएबल्स आर यूज टू रेफर मेमोरी लोकेशंस। वेरिएबल्स नेम होल्ड वैल्यूज और वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स। तो राइट हैंड साइड पे आपके एक एग्जांपल है जिसमें सी वेरिएबल बनाया गया है। ए नाम का वेरिएबल आप देख सकते हैं जिसको एक 10 वैल्यू एलोकेट हुई है और उसको हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट करा रहे हैं। ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है वेरिएबल को डिक्लेयर करने की और प्रिंट करने की। तो आइए अब बात करते हैं सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में पहली चीज़ आती है हेडर फाइल, फिर आता है मेन फंक्शन, उसके नीचे आते हैं पैरेंथेसिस, ओपनिंग पैरेंथेसिस, फिर आता है वेरिएबल डिक्लेरेशन, फिर उसके नीचे आता है बॉडी ऑफ प्रोग्राम, फिर उसके नीचे आता है रिटर्न और फिर आता है पैरेंथेसिस क्लोज। तो बात करते हैं हेडर फाइल्स की। हेडर फाइल्स के अंदर हमारा फाइल एक्सटेंशन आता है .h से और ये कंटेन करता है सारे के सारे फंक्शन जो कि आपके डिक्लेयर हैं। फिर उसके नीचे आता है मेन फंक्शन। ये फंक्शन स्टार्टिंग फंक्शन है जो कि सबसे पहले लिखा जाता है जब आप सी प्रोग्राम लिख रहे हो। फिर उसके बाद हम वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात करते हैं जिसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं प्रोग्राम में वो सारे के सारे एक एक करके हम यहाँ डिक्लेयर करेंगे। तो हम अपने कोड में देखेंगे कि उसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। बॉडी ऑफ सी प्रोग्राम में जो भी हम फंक्शंस यूज़ करने वाले हैं वो लिखते हैं और उसके बाद हमारा रिटर्न स्टेटमेंट आता है जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है। तो आइए अब हम फर्स्ट सी प्रोग्राम लिखते हैं। उसके लिए हम टर्बो सी को ओपन करते हैं और वहाँ पे हम हेडर फाइल का नाम देते हैं। हम हैश इंक्लूड stdio.h लिखते हैं और ये एक हेडर फाइल का नाम है। तो सिंटैक्स के हिसाब से हेडर फाइल पहले जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है हैश इंक्लूड stdio.h। उसके नीचे आपका आता है मेन फंक्शन। फुल स्क्रीन पे करने के लिए हम मेन फंक्शन में एंटर दबाएंगे और देखिए आपके सामने स्क्रीन और फुल स्क्रीन ओपनिंग पैरेंथेसिस हो गई है। स्क्रॉल करने के लिए हम फिर से ऑल एंटर दबाएंगे और स्क्रीन आपके सामने देखिए मिनिमाइज का है वो आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन है। तो वेरिएबल यहाँ पे मैंने ए डिक्लेयर किया है जिसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर होगी और उसके बाद प्रिंट एफ लिखेंगे। प्रिंट एफ स्टेटमेंट प्रिंट कराने के काम आता है। तो हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर परसेंटेज डी लगा के ए लिख दिया है और सेमी कॉलन लगा दिया है क्योंकि ए की वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है। उसके नीचे गेट सी एच फंक्शन लिखेंगे और पैरेंथेसिस से हम उसको क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद हम कंट्रोल एफ नाइन दबाएंगे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए और आउटपुट रिजल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 10 आ रहा है। दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम हर लाइन पे कमेंट कैसे लगाते हैं। तो दो बैश लाइन सिंबल जब हम लगाएंगे तो कमेंट होते हैं और कमेंट ये बताते हैं कि पर्टिकुलर लाइन पे हम क्या चीज़ कर रहे हैं। बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन के लिए होता है। तो देखिए int a इक्वल टू 10 पे मैंने लिख दिया है वेरिएबल डिक्लेरेशन क्योंकि वेरिएबल डिक्लेरेशन है। उसके नीचे वाली लाइन प्रिंट एफ है तो प्रिंट एफ जो है वो वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए काम आता है, ठीक है। और उसके नीचे मैंने पैरेंथेसिस क्लोज कर दिए हैं। तो बेसिकली ये हमने क्या किया है, कमेंट्स लगा लिए हैं। तो जब भी आप कमेंट्स लगाएं तो डबल बैक स्लैश लगाएं और मेन फंक्शन में भी देखिए मैं लगा के दिखा रहा हूँ ताकि कोई भी अगर देखे तो पता लग जाए कि ये मेन फंक्शन है, स्टार्टिंग यहीं से होती है। तो सेव करने के लिए फ़ाइल पे जाएं, सेव एज पे क्लिक करें, फ़ाइल का नाम दें। सपोज़ मैंने नाम दे दिया है वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल, हाँ ठीक है, मैं वेरिएबल नाम दे रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं डॉट सी कर दूँगा। तो पहले मैंने यहाँ पे पहले वेरिएबल प्रोग्राम दिया था, फिर मैंने उसको चेंज करके वेरिएबल डॉट सी कर दिया और फिर उसके बाद यहाँ पे आप ओके का बटन देख रहे हैं, आपको ओके पे क्लिक करना है और आपका प्रोग्राम सेव हो जाएगा। तो डॉट सी एक्सटेंशन होता है प्रोग्राम को सी में सेव करने के लिए।
अब हमें फाइल पे जाना है, वहाँ नीचे कंट्रोल एक्स का ऑप्शन आ रहा है क्विट का, कंट्रोल एक्स करना है, सेव करना है और एग्जिट। लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सी प्रोग्रामिंग अपडेट्स।